शाहसवार, कहां से आ रहे हो? ये इतनी सांस क्यों फूली हुई है तुम्हारी? गैब्रियल, हमला किया उस पर अस्कलान का शेर, तो क्या वो मर गया? कैसे हुई तुम्हारी मेरी मौजूदगी में अमीर बनने की कोशिश की? जहां हो वहीं रुक जाओ। मैं अजीब और गरीब दिमाग का आदमी हूँ, गुस्से में जान से मार देता हूँ, मरना है क्या? और ये कब से हुआ कि दुश्मन पे तीर चलाना नाफरमानी हो गई? इसने कारनामा ही तो किया है, इसने वो किया है जो तुम अब तक ना कर पाए। मैं गैब्रियल को मिटाकर अस्कलान वापस लेने निकला था, तुम लोगों का वतन बचाने निकला था, और इस अहमक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसने धोखा दिया है हमारे साथ साथ आपको भी। तुमको ये किसने बताया कि हमला कहां होना है? या ये भी हो सकता है कि गैब्रियल को हमारे किसी हिमाकत ने बताया हो कि हम कहां हैं। सुरैया खातून का ताकुब किया था जब वो यहां से निकली थी, तो पता चला। इसे ले जाके शाम के जिंदा में डाल दिया जाए ताकि इसके होश ठिकाने आ जाए। बस बहुत हो गई। संगी के बेटे अस्कलान की जमीन पर अस्कलानियों की हुकूमत है। हम उनको सजा देते हैं जो हमारे उसूलों से टकराते हैं। क्या वो सिर्फ हम हैं जो कसूरवार हैं? हमने तो तुम पर एतबार किया था, लेकिन तुमने हमारे एतमाद को धोखा दिया है। ये बात तो यकीनी थी कि वो अस्कलान नहीं लौट आएंगे। क्या खलील के लिए सौदा नहीं कर सकते थे? मेरे कैदी जिंदा है और ये खलील की जिंदगी की जमानत है। मैं कैदियों के बदले अस्कलान, खलील सब कुछ ले लूंगा उनसे। क्या इतना भी समझ नहीं आता? मगर शहसवार को कुछ हो गया तो पूरी कौम उठ खड़ी होगी, और फिर हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। हमारे इत्तेहाद पर हर्फ ना जाए आपके गुस्से से। ये सिर्फ मेरा गुस्सा नहीं है, अगर ये यार रहा तो इसकी वजह से गैब्रियल तुम पर हमलावर हो जाएगा। तुम्हारे लिए वो एक खतरा बन जाएगा और हमारे लिए एक रुकावट। और आज के बाद अस्कलान की आजादी तक अपने मामलात में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा।